आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। सिख समाज के गुरु अर्जुन देव की शहादत और शहीदी दिवस के अवसर पर सिख समाज द्वारा गुरु अर्जुन देव को याद किया गया, जिसके सापेक्ष में ताज नगरी आगरा में जगह जगह ठंडे शरबत की छवि लगाई गई। गुरुद्वारा माइथान और गुरुद्वारा सदर में भी गुरु अर्जुन देव को याद करते हुए बाहर से आए गुरु ग्रंथियों ने भक्ति रस की धारा को प्रवाहित किया। आपको बता दें कि सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव के जहांगीर के द्वारा इस्लाम कबूल करवाने के लिए अपनी शहादत दी थी। 3 दिन तक गुरु अर्जुन देव को गर्म तवे पर बैठा कर गर्म रेत से नहलाया गया था, जिसके बाद भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उनकी याद में सिख समाज द्वारा ताज नगरी आगरा में जगह जगह ठंडे शरबत की छवि लगाई गई। छवि लगाने का उद्देश्य लोगों में समरसता और गुरु अर्जुन देव की शहादत को नमन करना बताया गया है। इस दौरान सिख धर्म के अनुयायियों द्वारा समाज में समरसता, शांति और सद्भावना की अपील भी की गई। बस उद्देश्य यही है कि जो गुरु महाराज ने शहीदी दी है वो समाज के ऊपर और समाज की एकता के लिए जो शहीदी दी गई उनके समर्पित। उन्होंने शहादत दी कि गुरु महाराज ने संगत को इकट्ठा किया और संगत को जोड़ने के लिए छवि लगाई गई है। और थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए गुरु अर्जुन देव की शहादत के ऊपर। हाँ जी, और ये जो महीने बाद शहीदी जो समर्पित चल रही है 40 दिन के लिए, जो सुखमनी साहब का पाठ यहाँ गुरुद्वारे में हुआ है, सारी संगत मिलजुल के सारी संगत ने ये जो पारला किया है 40 दिन का, और उसके बाद फिर कीर्तन दीवान सजा है। गुरुद्वारा माइथान में अमृतसर और जालंधर से आए गुरु ग्रंथियों ने अमृत रस की धारा प्रवाहित की। सिख समुदाय के अनुयायियों का कहना है कि गुरु अर्जुन देव ने संपूर्ण समाज के लिए अपनी शहादत दी थी। उस शहादत को याद करने के लिए ठंडे पानी की छवि लगाई जाती है, जो परंपरा उनकी शहादत के तुरंत बाद से ही निरंतर चली आ रही है। आज गुरु नानक देव जी की चौथी जोत गुरु अर्जुन देव जी का शहादत दिवस है। आज के दिन गुरु अर्जुन देव जी को शहादत दी गई थी। उन्होंने सिख पंथ को बुलंदी में करने के लिए, निशान शब्द को बुलंदी में करने के लिए अपने आप को आज लाहौर के अंदर कुर्बान कर दिया। उनको 3 तरह की शहादत दी गई थी। पहले उनकी तत्ती जो भेंट डाली गई उनके सिर के ऊपर, गर्म तवे के ऊपर बैठाया गया, फिर उनको गर्म देव उगती हुई देव के अंदर बैठाकर उनकी शहादत दी गई। उन्होंने इस पंथ के लिए, इस कौम के लिए शहादत दी। इतना कुछ देने के बाद भी उन्होंने यही कहा, बस ईश्वर भगवान से तेरा भाना मीठा लागे, और अपने आप को इस पंथ के लिए अपने आप को कुर्बानी दे दी। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस को समर्पित ये यहाँ प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। जो उनकी शहीदी है, उस शहीदी को अगर हमने अच्छे रूप में मनाना है, अगर उस शहीदी को आज हमने श्रद्धांजलि देनी है, तो हमें इस गुरुद्वारा यहाँ पर आज आकर अहंकार को छोड़ जाना है, विनम्रता को लेकर जाना है। गुरु घर की जो सिफतें हैं, यहाँ से हमने गुरु से जुड़ना है, गुरबाणी से जुड़ना है, ये सब हमने आज ये सीखा लेनी है। इस मौके पर भारी संख्या में सिख समाज ने उपस्थिति दर्ज कराई और राह चलते लोगों को ठंडे शरबत पिलाकर गुरु अर्जुन देव को याद किया।